जिस भी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और अब वक्त आ गया है कुछ ऐसी चीजें करने का जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज से हम, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दिन से हम एक 45 डेज चैलेंज शुरू करते हैं जिसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रैक्टिस करके अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने डिजायर्स को पूरी करना है। ये प्रैक्टिस, ये जो चैलेंज है, 45 डेज चलेगा और इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें इस दौरान आपकी लाइफ में बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले जब आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो पूरी कर ही पाएंगे, अपने सबकॉन्शियस को भी रिप्रोग्राम कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा, आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो ऑरा निकल रहा है अंदर से वो इतना पॉजिटिव और इतना हाई होगा कि आपको बहुत ही, मतलब आपको, आपके साथ साथ इनफैक्ट लोगों को भी ये महसूस होगा कि यार इस पर्सन के अंदर से कितनी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करती है। आपका एनवायरमेंट, आपके आस पास के लोग जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे वो भी पॉजिटिविटी को फील करेंगे, महसूस करेंगे। आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का, आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर देंगे और इसके साथ साथ आपका खुद के अंदर जो विश्वास है, भगवान के अंदर जो विश्वास है और जो यूनिवर्स के अंदर विश्वास है, वो जो फेथ है, फेथ और बिलीफ जो है, वो सारा का सारा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो 45 डेज का जो चैलेंज है, ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो इस 45 डे चैलेंज में हम 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने वाले हैं। ये कैसी टेक्निक है जो मेरे एक्सपीरियंस के दौरान, जब मैंने पिछले 12 सालों से जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करता आ रहा हूं, उस दौरान में जब सबसे ज्यादा जो लोगों की शेयरिंग रही, सबसे ज्यादा लोगों ने जो रिजल्ट एसोसिएट किए, अचीव किए और जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने महसूस की, वो यही टेक्निक है। और इसके बहुत सारे कारण है। पहले तो जो 369 टेक्निक है, इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है बहुत सारे रीजन की वजह से, क्योंकि निकोला टेस्ला 3, 6 और 9 नंबर्स के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। इन्हीं डायमेंशन पर वो सारे एक्सपेरिमेंट, सारे काम किया करते थे। लेकिन उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी में भी 369 ये तीनों नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कुछ भी चीजें जो इससे शुरू होती हैं या खत्म होती हैं, या ये जो तीनों जो नंबर्स है कहीं पर भी आते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और जब ये तीनों नंबर एक साथ आते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मैजिक होना ही होना है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसलिए हमने 45 डे चैलेंज के अंदर हमने इसको पिकअप किया है। अब ये जानते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना है कि हमें चाहिए क्या। अब इसमें जो ये 45 डेज के दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल अफर्मेशन नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक अफर्मेशन को चुनना है। ध्यान रखिए, जब हम 45 डेज चैलेंज को पूरा करेंगे और एक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लेंगे तो आपको ना बेसिकली एक रोड मैप समझ में आ जाएगा कि चीजें होती कैसे हैं, कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इस 45 डेज चैलेंज के दौरान, ताकि हमारा फोकस भी ना एक चीज पर रहे, बिल्कुल 100% एक चीज पर रहे, और आपको जैसे पता है जिस चीज पर भी हम पूरा फोकस करते हैं वही चीज हमारी लाइफ में आने लगती है। तो मल्टीपल चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अगले 45 डेज में या 50 दिन में या 60 दिन में या 2-3 महीने में जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अचीव हो, वो अफर्मेशन आपको पिकअप करनी है और उस डिजायर को पिकअप करना है और उसके बारे में हमें अफर्मेशन बनानी है। तो पहली चीज आपकी क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही अफर्मेशन को पिकअप कर रहे हैं। तीसरी चीज, अब आपको अफर्मेशन को लिखना कैसे, वो जो अफर्मेशन आप बनाएंगे उसको लिखना कैसे है, आपको उसको ऐसे लिखना है, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, छोटी स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। याद रखिएगा, जो बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये क्रिएट करता है कि आपको उसे महसूस करना, आपको उसे ऐसे लिखना जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। तो वो वाइब्रेशन आपको महसूस करनी है, तो उसी तरीके से आपको उसको लिखना है। ध्यान रखना, इसमें आपको मन में नहीं बोलना है, आपको विजुलाइज नहीं करना है। इस अफर्मेशन टेक्निक में आपको हर बार लिखना ही है, ध्यान रखिएगा, हर बार लिखना ही है। तो इसमें अफर्मेशन को कैसे लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपको एक जॉब मिल जाए, ठीक है, या आपको एग्जाम क्रैक कर ले, तो उसका एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ना TCS में जॉब चाहिए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर एनम की जॉब, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, थैंक यू गॉड, मुझे
TCS कंपनी से ऑफर लेटर मिल गया है जिसमें मेरी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है। थैंक यू, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है। तो आपने एक सिंपल अफर्मेशन बना दी, उसमें इमोशंस अटैच कर दिए, इसमें थैंक यू भी डाल दिया, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, और इसी तरीके से दूसरी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आप उसमें ये लिखिए, थैंक यू गॉड, मैंने UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया और अपनी सपनों की जिंदगी जो मैं जीना चाहता हूँ वो मैं जीना शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, नीट क्लियर करना चाहते हैं, सी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप उसके अंदर आप अपना उसको ड्राफ्ट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपनी अफर्मेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो अफर्मेशन का हमारा क्लियर हो गया कि अफर्मेशन को कैसे लिखना है। जब अफर्मेशन क्लियर हो गई तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो 369 का मतलब क्या है, 369 का मतलब है 3 बार इसी अफर्मेशन को सुबह लिखना है, सेम अफर्मेशन को 6 बार दोपहर में लिखना है, सेम अफर्मेशन को 9 बार आपको रात को लिखना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह मैंने 7 बजे लिखा तो हर रोज 7 बजे ही है। सुबह का मतलब है, अब देखिए सुबह 4 बजे से लेकर 7, 8, 9, 10 बजे तक भी सुबह ही होती है, ठीक है। दोपहर का मतलब है 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक दोपहर ही होती है। शाम का मतलब या रात का मतलब है, मान लो 6 बजे से लेकर रात 10, 11, 12 बजे तक आप कभी भी कर लो। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसी टाइम हमें करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता रहता है कि मैं कभी थोड़ा देर हो जाती है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये दिन में 3 बार ही करना है। याद रखिएगा, अगर आपका वर्किंग है तो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ऐसे कैबिन में जाना पड़ेगा जहां पर कोई नहीं है, वहां पर अफर्मेशन करनी पड़ेगी। 2 बार करने से नहीं चलेगा। आप नाइट ड्यूटी में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कीजिए। जब आप सुबह उठे, मान लो आप 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, तो उसको पहला समझो, आप उसको मॉर्निंग समझो और तब अफर्मेशन करना शुरू कर दो। इस तरह से आपको 3 बार आपको अफर्मेशन को लिखना है। इन अफर्मेशन को जब भी आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपको उनको दिल से महसूस करना है कि वो जैसे ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आपको अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वही चीजों को रियल बनाएगी, रियलिटी में लेकर आएगी। अगर वो रियलिटी में लेकर आना है तो इमोशंस को मिस मत करना, मैकेनिक्स की तरह मत करना, जल्दी से करना है, मुझे जाना है, फटाफट कर लेता हूं, फिर मेरे को अपना काम में लग जाना है, इस तरह से मत करना। आराम से तसल्ली से बैठ के जो भी 5-10 मिनट लगता है उसको अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करके, डीप ब्रीथ करके तसल्ली से करना, और जब आप उसको लिखोगे तो महसूस जरूर करना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, महसूस करना भूल जाते हैं। वो महसूस करते ही नहीं है, वो सिर्फ लिखने में लगे हुए हैं, जैसे अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हो या कॉलेज का होमवर्क कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज मत करना। और ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपको 45 डेज तक करनी है, यानी कि 45 दिनों तक करनी है। जब आप इन्हें 45 दिनों तक कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी लाइफ में मैजिक जरूर होगा, बदलाव जरूर होंगे। हो सकता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा होने में 50 दिन लग जाएं या 60 दिन लग जाएं, लेकिन जो चेंज है, बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो आप महसूस करना 45 डेज में, देखना 100% शुरू कर ही देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जब जब आप इस अफर्मेशन को करेंगे, जैसे मान लेते आपने day 1 किया, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आना है वापस से। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आपको बार बार वापस से आना है और इस वीडियो में आके कमेंट करना है, day 1 done। जब day 2 का सुबह दोपहर शाम कर लोगे, फिर लिखना है day 2 done, day 3 done। इससे क्या होगा, आपको ना हमेशा ये महसूस होता रहेगा, यार मुझे ना वीडियो में जाकर कमेंट करना है कि मैंने कर लिया है। इससे आपको अपने आप ही, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते ना, कमिट नहीं हो पाते, डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इससे आपको डिसिप्लिन होने की एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे कहीं पर जाकर लिखना है तो मैं इसको, मेरे को इसको करना जरूरी है। उसके साथ साथ क्या होता है, बाकी लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। याद रखिएगा, जो जो चीज़ें, जैसी आपकी खुद की वाइब्रेशन होती हैं, आपकी वाइब्रेशन दूसरे लोगों को हेल्प करती हैं, और दूसरे लोगों की वाइब्रेशन जो है, जो आप दे रहे हैं, वही वापस भी आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी आप दोगे तो लोगों की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ग्रुप में भी मैनिफेस्टेशन करते हैं या जो अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं और शेयर करते हैं, नॉट एग्जैक्टली अफर्मेशन शेयर करते हैं, बट दिस शेयर कि मैंने इसको कर लिया है, और ये आपको डिसिप्लिन रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने इसको बहुत दिनों तक प्रैक्टिस किया था जब मैं डिसिप्लिन नहीं था, तो आप भी इसको कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आपको लगे कि आपकी कोई भी डिजायर, कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना है कि मैंने कैसे अपनी डिजायर को, अपनी सपनों को मैनिफेस्ट किया। तो गाइस, ये है 45 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज। आई होप 45 डेज तक आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को डेली करेंगे और मिस एक भी दिन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भी दिन आप मिस करते हैं, आपको day 1 से शुरू करना होगा। कई बार होता है कि हम मिस कर भी देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो,
जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो वो आपका डे वन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने मिस कर दिया, वापस से डे वन से शुरू कर दो, अगले 45 दिनों तक करते जाओ, ठीक है। मिस मत करना, कोशिश करना इसको मिस मत करना, पहली बार में कर लो, बट अक्सर मिस हो जाता है क्योंकि हम बिजी रहते हैं, लेकिन उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। आप वापस से उसको डे वन से शुरू करो और इसको अचीव करो। आई जस्ट विश, भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी चीजें इस दौरान मैनिफेस्ट करें आपकी वो डिजायर जरूर पूरी हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको लगता है कि किसी को इस प्रैक्टिस की जरूरत है, इस चैलेंज की जरूरत है, इस इंसान के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर इस तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आपको रेगुलर हमारे साथ देखनी है तो चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, नहीं किया तो कर देना सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उससे हमें। और तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।